Assalamu alaikum, my dear viewers, my dear students, and my dear forefathers and dear audience. This is MS IUB and you're watching Smart Professional Educator. All of you are welcome in Smart Professional Educator. Dear friends, as you know that these days we are doing how to gain fluency in English language. Whenever we are talking in English language, how good it would be to talk fluently. हम अपने रोजमर्रा जिंदगी की बातचीत में sometime हम एक लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं. We gonna do use word in our daily conversations, in our chat with go in gossip with each other, and that word in our own language. That is that दो अल्फाज होते हैं, वो ये है कि नी, जब तक और जितनी. और ये दोनों वर्ड्स हम यूज करते हैं दरअसल देर के लिए, देर. तो इनके लिए हम इंग्लिश में एक लफ्ज का यूज करते हैं, और वो लफ्ज क्या है? लुक एट हियर टू द व्हाइट बोर्ड, दिस इज आवर टुडेस टॉपिक, दैट एज लॉन्ग एज. एज लॉन्ग एज मेरे साथ बोलिए क्या है? जितनी और जब तक के लिए. हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं जितनी और जब तक के लिए, हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं एज लॉन्ग एज. एज लॉन्ग एज, लुक एट देयर, एज लॉन्ग एज. पर क्या हम कहते हैं? जब तक अल्लाह हमारे साथ है, जब तक अल्लाह हमारे साथ है कोई हमें नुकसान नहीं दे सकता. जब तक अल्लाह हमारे साथ है तो कोई हमें नुकसान नहीं दे सकता. लुक एट हियर, डियर फ्रेंड्स, लुक एट द सेंटेंस. जब तक अल्लाह हमारे साथ है कोई हमें नुकसान नहीं दे सकता. जब तक अल्लाह हमारे साथ है कोई हमें नुकसान नहीं दे सकता. अब जब तक, तो यहां पर जब तक बोलते थे, अगर हम गौर करते तो इससे मतलब देर रहता है ना, जिंदगी रहती है ना, जिंदगी का इंटरवल्स रहते हैं ना, यानी कि टाइम रहता है ना, यानी कि जमाना रहता है ना, यानी इससे हमारा मकसद टाइम है, यानी कि देर है. देर, फिर बात आ जाती है किस पे? देर पे. जब तक से हमारा मतलब है देर, यानी जब तक अल्लाह हमारे साथ है तो कोई हमें नुकसान नहीं दे सकता. तो मैंने आपसे कहा ना कि ये जब तक वाले अल्फाज जो होते हैं ये अमूमन जुमले के स्टार्ट में आ जाते हैं. तो देखिए यहां भी जुमले के स्टार्ट में जब तक का लफ्ज आ गया, और इसका तर्जुमा जैसे कि मैंने आपसे बता आपसे कहा ना कि इसका तर्जुमा हम करेंगे एज लॉन्ग एज से. तो जुमला हम शुरू करते हैं एज लॉन्ग एज से. नाउ लुक एट हियर, हाउ वी विल कन्वर्ट और हाउ वी विल से दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो लुक एट हियर, एज लॉन्ग एज. हमने अपना जुमला शुरू कर दिया किससे? एज लॉन्ग एज से हमने जुमला शुरू कर दिया, और ये हम लोग जुमले के शुरू में आ जाते हैं. तो जुमले के शुरू ही में आ गया एज लॉन्ग एज. अब अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, तो है का तर्जुमा हम करते हैं एज से. है का तर्जुमा अमूमन हम करते हैं किससे? एज से करते. एज लॉन्ग एज अल्लाह इज, एज लॉन्ग एज अल्लाह इज विद अस. जब तक अल्लाह हमारे साथ है, इंतहाई आसान तरीके से देखिए हम बोल सकते हैं इंग्लिश, एज लॉन्ग एज अल्लाह इज विद अस. एज लॉन्ग एज अल्लाह इज विद अस, तो फिर क्या नहीं हो सकता? देखिए कोई हमें नुकसान नहीं दे सकता. कोई, कोई के लिए, कोई के लिए हम यूज करते हैं क्या चीज? नो वन, ठीक है ना. और सकता, सकता के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं कैन, नो वन कैन. और नुकसान के लिए हमारे साथ इंग्लिश में वर्ड होता है आम, ठीक है ना. एज लॉन्ग एज अल्लाह इज विद अस नो वन कैन आम, तो किसको? हमें, हमें, ये वाला हमें. तो अब यहां पर हमें का तर्जुमा भी हम अस से करते हैं. देखिए ना, एज लॉन्ग एज अल्लाह इज विद अस नो वन कैन आम अस. कितनी आसानी से चेंज हो गया सेंटेंस, वेरी इजीली वी कन्वर्टेड दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश. अब आइए एक मिसाल और कर देते हैं, इससे आप अच्छी तरह समझ पाएंगे हम क्या यूज कर रहे हैं. एज लॉन्ग एज किसके लिए यूज कर रहे हैं? जब तक के लिए. किस लफ्ज के लिए यूज करते हैं? जितनी के लिए. और ये दोनों लफ्ज हम किसके लिए यूज करते हैं? देर के मानों के लिए यूज करते हैं. देखिए एक और एग्जाम्पल. सो
जब तक वो जिंदा है वो मुझे उससे शादी नहीं करने देगा। देखिए जब तक, तो जब तक जुदा हम, we will begin our sentence with as long as। सुनो कैसे हम जुड़े शुरू करते हैं अपना as long as। As long as वो जिंदा है, वो जिंदा है, तो वो के वालों के लिए ही, है के वालों के लिए is, जिंदा के वालों के लिए alive, ठीक है। So as long as he is alive, as long as he is alive, जब तक कि वो जिंदा है, as long as he is alive, as long as he is alive, तो वो मुझे उससे शादी नहीं करने देगा। वो मुझे, यानी वो जब तक वो जिंदा है, जिसकी हम जिंदगी की बात कर रहे हैं। So he, अब इस जुड़े पे हमने थोड़ा सा गौर करना है, शादी नहीं करने देगा, तो फ्यूचर की बात कर रहा है, शादी नहीं करने देगा, और फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं वेन को। और अगर हमारे साथ जुमला इंटरो नेगेटिव में हो, यानी उसमें नहीं वाला लफ्ज यूज हो गया हो, जैसे कि यहां पे देखिए शादी नहीं, नहीं के मानों के लिए नॉट यूज करते हैं, और देगा के मानों के लिए, यानी कि फ्यूचर के लिए वेन यूज करेंगे, और देने के मानों के लिए लेट हमने यूज करना है, ठीक है ना। तो जब तक वो जिंदा है मुझे उससे शादी नहीं करने देगा, as long as he is alive, he, और फिर future के लिए well, he well, और well के बाद हमने not use करना है, he will not, और देने के लिए हमने यूज करना होगा let को, he will not let, और मुझे, तो मुझे के मानों के लिए me, as long as he is alive, he will not let me। तो अब शादी के लिए हमारे साथ लफ्ज होता है इंग्लिश में marry, और उससे के मानों के लिए हार। अब देखिए हमने क्या कर दिया, देखिए जब तक के मानों के लिए as long as को यूज कर दिया, और वो जिंदा है, he is alive, ठीक है ना। So as long as he is alive, और वो मुझे उससे शादी नहीं करने देगा, तो शादी के लफ्ज के लिए marry, और करने के लिए let, और फ्यूचर के लिए well, और जो कि नहीं, नहीं के लिए not। So look at that, he will not let me marry her, he will not let me marry her, वो मुझे उससे शादी नहीं करने देगा, as long as he is alive, he will not let me marry her। Okay viewers, अब आइए एक मिसाल जितनी देर पे हो जाए, जितनी देर, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जितनी देर वो यहां है तुबा यहां नहीं आ सकती, जितनी देर वो यहां है तुबा यहां नहीं आ सकती। अब यहां पे जितनी देर, फिर वही as long as, look at here, वो यहां है, he है के मानों के लिए as, यहां के मानों के लिए here, as long as he is here, as long as he is here, tuba यहां नहीं आ सकती, tuba is a noun, so tuba, और सकती के मानों के लिए can, और चूंकि नहीं है तो can't या cannot, फर्स्ट वो दो वर्ब यूज करेंगे, सो आने के लिए कम, तुबा कैंट कम, यहां नहीं आ सकती, हियर अगेन। सो लुक एट हियर, एज लॉन्ग एज ही इज हियर, तुबा कैंट कम हियर, एज लॉन्ग एज ही इज हियर, जब तक वो यहां है ना, तो उसके होते हुए तुबा यहां नहीं आ सकती, तुबा कैंट कम हियर, तुबा कैंट कम हियर, और तुबा कैन नॉट कम हियर। ओके, सो डियर फ्रेंड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, so many examples, a lot of examples from our daily life could be there, and if you just think a bit deep,
So in our daily life, we do practice this type of sentences, we do practice this type of talking and conversations with each other. At that time, you should apply these rules. And on this way, you should talk with people, you should speak with people. So friends, practice kijiyega. Jitna bhi aap practice karenge, itna hi aapki English perfect aur fluency aap gain kar payenge. Umeed hai video aapko pasand aa gayi hogi. Agar pasand aa gayi hai, to kindly like kijiyega. Aur abhi tak aapne hamare channel ko subscribe nahi kiya hai, to kindly subscribe kar dijiyega. आपको वीडियो पसंद आ गई होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वंस अगेन आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी.